क्यों नहीं लड़का जो है चाहे चार लात मारे और खाना नहीं दे, लेकिन फिर भी लड़के के भी ये चक्कर में लोग रहते हैं, क्योंकि हमको लड़का ही स्वर्ग में पहुंचाएगा, न लड़का स्वर्ग में पहुंचाएगा, न लड़की स्वर्ग में पहुंचाएगा, अपना कर्म जो है वही स्वर्ग में पहुंचाएगा। जी जब शादी हो गया तुरंत अपने वाइफ को लेकर के अलग हो जाता है और बाप माए को पूछता नहीं है। डाउरी का डर है लोगों को और सेफ्टी भी इशू है, कहीं ना कहीं कुछ भी होता है लड़कियों के साथ तो पता नहीं गलत होने से इज्जत पे बात आ जाती है एक्सेट्रा, ये सब जो भी है। हमको भी यही लगता है क्योंकि सिटीज़ में आजकल लोग प्रेफर कर रहे हैं, मतलब लड़कियों को भी एजुकेशन दे रहे हैं कंपैरेटिवली, जैसे बॉयज़ को दे रहे हैं वैसे ही दे रहे हैं, बट गांव में ऐसा है कि लोग अपने लड़कों को तो भेज देते हैं बाहर पढ़ने के लिए बट लड़कियों को घर पे रखते हैं। महिला का डरना, हाँ महिला का डरना उचित है, महिला एक महिला है और महिला उतना बढ़िया सेफ नहीं है। अब मान लिए कि अगर कोई परिचित आदमी है, जनवा आदमी है, तो वहाँ उस समझता है कि हम सेफ हैं, अगर अनजान जगह में कहूँ जाता है तो वहाँ पर सेफ्टी नाम का चीज़ नहीं है। जो महिला शिक्षित नहीं है वही इस तरह के बात करते हैं कि बेटी होना चाहिए बेटा होना चाहिए बेटी नहीं, उसी को शिक्षा दीजिए, बढ़िया से पढ़ाइए लिखाइए, बेटी से ही बेटा होता है, बेटा और बेटी को समान समझना चाहिए। बिहार में नेशनल हेल्थ सर्वे के मुताबिक एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिस तरीके से बिहार में महिलाएं और पुरुष की बात करें तो महिलाएं अभी भी 41% यही चाहती है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ लड़का हो लड़की ना हो, ये इस हिसाब से सोच रही हैं कि उन्हें लड़की होगा तो बहुत सारी समस्याएं देखने को पड़ेंगी, जैसे कि दहेज प्रथा की बात करें या फिर अनसिक्योरिटी की बात करें, असुरक्षा की बात करें, या फिर कई ऐसे चीज़ें हैं जो लड़कियों के साथ समस्या होता है। अब बात ये आती है कि कई लोगों का ये कहना है कि आखिर क्या वजह है कि लड़कियां असुरक्षित है बिहार में, जो कि नीतीश कुमार की सरकार में बिहार के तमाम जो छात्राएं हैं बेटी हैं उनको विशेष रूप से सुविधा मुहैया कराई जा रही है। इसमें अब रिपोर्ट निकल के ये आया है कि 41% महिलाएँ अभी भी जो है सिर्फ और सिर्फ लड़का चाहते हैं, लड़की नहीं चाहती हैं, वजह क्या है? इसके लिए हम आज ग्राउंड रिपोर्ट पे निकले हैं, लोगों से ही जानेंगे पटना के लोग कि आखिर क्या वजह है। दूसरी बात यह है कि 18 साल से कम उम्र में लड़कियों को शादी की जा कर दी जाती है, आखिर क्यों सोचते हैं ऐसा, ये सबसे बड़ा एक विषय बन गया है। इसी मुद्दे को लेकर आज हम पटना की सड़कों पर जानेंगे, लोगों से मिलेंगे कि जानेंगे आखिर क्या वजह है बिहार में ऐसी मानसिकता लोगों की क्यों है, 17वीं शताब्दी की सोच क्यों रखते हैं लोग, हम लोगों से ही जानेंगे। आइए जानते हैं लोगों की क्या राय है। जी बताइए। अभी के आदमी क्यों नहीं लड़का जो है चाहे चार लात मारे और खाना नहीं दे, लेकिन फिर भी लड़के के भी चक्कर में लोग रहते हैं, क्योंकि हमको लड़का ही स्वर्ग में पहुँचाएगा, लड़की स्वर्ग में नहीं पहुंचाएगा, न लड़का स्वर्ग में पहुंचाएगा, न लड़की स्वर्ग में पहुंचाएगा, अपना कर्म जो है वही स्वर्ग में पहुंचाएगा। जी जब शादी हो गया तुरंत अपने वाइफ को लेकर के अलग हो जाता है और बाप माए को पूछता नहीं है। आज दिल्ली में देखिए कि 40,000 रुपया पेंशन पाने वाला आदमी वृद्धाश्रम में है, क्यों है? इसलिए कि सोचता है कि हम मियाँ बीवी दोनों साथ में रहेंगे और तो ज़्यादा ही रहेगा, बूढ़ा बूढ़ी रहेगा तो हमको डिस्टर्ब होगा। तो भेदभाव करना चाहिए अंकल? नहीं, भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये हालत है तो भेदभाव क्यों? नहीं, आने वाला दिन जो है ना, आने वाला दिन जो है सो लड़की हावी हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। जी एकदम 100% हिसाब से कहें किस आपके पास क्या फैक्ट? इसलिए है कि अब लोग जागरूक हो गया है कि लड़की को भी मैं पढ़ाऊँ, आज लड़का से ज़्यादा लड़की भी पढ़ रही है और शिक्षित हो रही है, उसको शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि जो जितना शोषण जो लड़की के ऊपर है उतना माने, अब उसको पहले दो काम था, बच्चा पैदा करो और खाना बनाओ, तीसरा कोई काम नहीं था, 10 गो 12 गो बच्चा पैदा करते रहो कोई बात, लेकिन आज के लड़की कहता है कि ना 2 गो से ज़्यादा नहीं हम करेंगे, 1 गो से ज़्यादा नहीं करेंगे, क्यों? हमको लड़का को पढ़ाना है। पहले लोग सोचता था कि पढ़े चाहे चूल्हे के भाड़ में जाए, साला बच्चा पैदा करते चले जाओ। हमारी जो बेटी होगी वो
कैसे जैसे सिचुएशन सोसाइटी जो हम लोग का है वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है अभी भी कि ज़्यादा मेल डोमिनेटेड है कि नहीं रहने तो फीमेल क्या होगा, अभी हम चाहते हैं कि बेटी हमारी जो है वो पढ़ लिख के क्या करेगी, उसको ज़्यादातर हम घर पे रखते हैं, फिर उसका शादी होगा, हो सकता है अगर शादी हो उसके बाद फिर जो उसका पति होगा या फिर हस्बैंड होगा वो उसको काम करने नहीं देगा, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको पढ़ा लिखा का भी कोई फ़ायदा है नहीं। लोगों के अंदर बदलाव आएगा एजुकेशन से पढ़ लिख के, और मानसिकता बदलने की बहुत ज़रूरत है, लड़का लड़की कुछ नहीं होता है। रिपोर्ट में है कि 41% महिलाएं यही चाहती है कि मुझे लड़का हो लड़की ना हो, क्या वो डर सता रहा है महिलाओं को? डर डाउरी है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इस चीज़ में, डाउरी का डर है लोगों को, और सेफ्टी भी इशू है, कहीं ना कहीं कुछ भी होता है लड़कियों के साथ तो पता नहीं गलत होने से इज़्ज़त पे बात आ जाती है एक्सेट्रा, ये सब जो भी है लड़कियों के होने की वजह से लोग डर रहे, ताकि उनको ये भी डर है कि वो बड़ी होंगी तो डाउरी देना होगा, उनको लगता है कि एक लड़का होगा जो अच्छे से उनका वंश आगे बढ़ाएगा, मतलब यही मेंटालिटी है आज हमारे मतलब बहुत सारे रूरल एरियाज़ में जैसे बिहार के, अभी हो रहा है जब नीतीश सरकार बहुत दे रहे हैं, इनिशिएटिव हुआ है लेकिन कहाँ तक, वो भी पूरा स्प्रेड नहीं हुआ है और इतने से कुछ नहीं होगा। आई थिंक उनको एक बड़ा स्टेप लेना चाहिए अभी तो, शायद जैसे कि स्कूल्स वगैरह पे ध्यान देना चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, तब जाके शायद, क्योंकि मेन मुद्दा जो है वो एजुकेशन सिस्टम ही है, अगर इसको डेवलप किया जाएगा तो ही आई थिंक। यानी कि सिटी के लोग अब समझ चुके हैं बहुत हद तक ये कर रहे हैं, लेकिन बट गांव में जो अधिकतर आबादी बस्ती है हमारे बिहार की, हाँ, वो नहीं समझ पा रहे हैं। एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है, हमको भी यही लगता है, क्योंकि सिटीज़ में आजकल लोग प्रेफर कर रहे हैं, मतलब लड़कियों को भी एजुकेशन दे रहे हैं कंपैरेटिवली जैसे बॉयज़ को दे रहे हैं वैसे ही दे रहे हैं, बट गाँव में ऐसा है कि लोग अपने लड़कों को तो भेज देते हैं बाहर पढ़ने के लिए बट लड़कियों को घर पर रखते हैं। महिला का डरना, हाँ महिला का डरना उचित है, महिला एक महिला है और महिला उतना बढ़िया सेफ नहीं है। अब मान लें कि अगर कोई परिचित आदमी है, जनवा आदमी है, तो वहाँ वो समझता है कि हम सेफ हैं, अगर अनजान जगह में कहूँ जाता है तो वहाँ पर सेफ्टी नाम का चीज़ नहीं है। हाँ यही वजह है, माने छेड़छाड़ दुनिया जहाँ आज भी होता है तो ना, आखिर डर का है उसका है, डर इसी बात से ना, हम कहूँ जाएँ। हाँ और वजह तो कुछ नहीं है, यही महिला है तो ऐसी महिलाएं हैं, और पुरुष में भी देखा जाए तो 98% पुरुष भी चाहते हैं कि मतलब कि जो महिला शिक्षित नहीं है वही इस तरह के बात करते हैं कि बेटी होना चाहिए, बेटा होना चाहिए, बेटी नहीं, उसी को शिक्षा दीजिए, बढ़िया से पढ़ाइए लिखाइए, बेटी से ही बेटा होता है, बेटा और बेटी को समान समझना चाहिए। हमारे सरकार भी इसके लिए व्यवस्था भारत सरकार भी किए हुए है कि एक समान सबको जैसे कि मान रहा है, खाना पीना पढ़ना लिखना सब व्यवस्था सरकार दे रही है, फ्री में लोग को लड़की को पढ़ा भी रही है, इसलिए लड़का लड़की में फर्क नहीं मानना चाहिए। तो फिर भी अभी तक बिहार में वो ज़्यादा औरतें लोग कर रही हैं, जेंट्स ज़्यादा महिला, इसलिए कि वह शिक्षित महिला लोग हैं जो पहले का है पढ़े लिखे हुए नहीं है, अब के जो लड़कियां हैं पढ़े लिखे हुई वो इस तरह का विचार नहीं। कई सारे लड़की, कई सारे छात्र छात्राएँ, कई सारे लेडीज जेंट्स जब हमने बात किया तो वो यही कहते हैं कहीं ना कहीं बिहार में जागरूकता की कमी तो है ही अभी भी, और सुरक्षित महसूस करते हैं लोग गांव में ज़्यादातर। दूसरी चीज़ कि दहेज प्रथा सिर्फ जो है कागज़ पे बंद हुआ है, इम्प्लीमेंट की जाने की बात होती है तो वहाँ कहीं कुछ नहीं है, दहेज प्रथा अभी भी ली जाती है जिसके कारण महिलाएं परेशान है। दूसरी चीज़ें यह है कि एक लड़कियों को समझती है कि बड़े बड़ी हो जाएगी तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसके चलते लड़कियों में कैसे हम उसको परवरिश करें, कैसे उसे आगे बढ़ाएं, इसके चलते महिलाएं परेशान हैं। कई सारे मुद्दों पे जिक्र किया गया है जिसके कारण नीतीश कुमार की गवर्नमेंट में ये परेशानी आ रही है, आखिर ये परेशानी कब तक दूर होगी, ये एक बड़ा ही मुद्दा बन के रह गया है। तो हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया, लोगों की राय बताया कि लोग क्या सोचते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आप बने रहिए ट्रस्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।